अलैकुम। आज हम बनाएंगे अफगानी तंदूरी। उसके लिए हम एक पहले मसाला बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हमने अदरक डाला है, लहसुन है हमारा एक, चार पांच हरी मिर्ची है और काजू के बीज है चार पांच। काजू जरूर डाले, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। काजू, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। दही हमने 2 टेबल स्पून लिया है एक बर्तन में। फ्रेश क्रीम भी 2-3 टेबल स्पून हमारा फ्रेश क्रीम है। तंदूरी मसाला थोड़ा सा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी है हमारी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा हमने गरम मसाला पाउडर डाली है, 1 टीस्पून से भी कम है। अभी जो हमने पेस्ट बनाए मिर्ची अदरक लहसुन और काजू का, वो हम इसमें डालेंगे ये मसाले में। आधा नींबू का जूस, जायके के हिसाब से नमक। हम ये सारे चीजें को अच्छे से मिक्स किए। अभी हमने चिकन में ऐसे कट लगाए हैं, फिर अंदर मसाला बराबर से जाता है, कट लगाना ना भूले। आधे घंटे के लिए हम इसको मसाला लगा कर रखेंगे। छोटी चिकन है इसलिए हमने 2 चिकन लिए हैं। 2 चिकन के लिए हमने इतना मसाला लगाया। एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाला है, 2-3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। फ्राई पैन में हमने पहले ऑयल डाला था और अब ये हमने बटर डाला है। आधा घंटा हमारा हो चुका था मैरिनेट करने रखे थे चिकन को। अभी हम इसको फ्राई पैन में चिकन को डालकर पकाएंगे। ये देखिए एक साइड से हमारा हो चुका है, कलर ऐसा आना चाहिए चिकन पे। दूसरी साइड से टर्न करके कवर करके हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। क्योंकि चिकन पकनी चाहिए अंदर से, इसलिए हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाए। देखिए चिकन हमारी पक चुकी है, अच्छे से हमारी चिकन हो चुकी है। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। चूल्हा हमने बंद किया है, या बीच में फॉइल पेपर रखकर हम इस पर कोयला डालेंगे। बटर नहीं तो ऑयल डालकर, कोयले पर बटर डालें नहीं तो ऑयल डालें, कवर करके 5 मिनट रखेंगे। अफगानी तंदूरी हमारी तैयार हो चुकी है, हम डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी लगती, बहुत टेस्टी लगती। काजू का पेस्ट डालना भूलना मत, वो मसाले में ही काजू डालने का है बनाते वक्त, ताज़ा मसाला बनाने का है।
हमारे तरीके से बनाए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।